जब मैं 20 साल का था तो मैं कनाडा आ गया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और जैसे बाकी इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं, वैसा ही मेरा प्लान था कि मैं भी अपनी सारी उम्मीदें और सारे सपने यहाँ कर पूरे करूँगा। और मुझे ये भी पता था कि यहाँ अपनी उम्मीदें और सपनों को पूरा करने के लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने हर तरह की जॉब की, फैक्ट्री में की, वेयर हाउस में की, सिक्योरिटी में की, रेस्टोरेंट्स में की, यहाँ तक कि मैंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैकेनिकल डिजाइनर का काम भी किया। तो मेरे को भी आपके जैसे यही बताया गया था कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, कि आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, वो पैसा कमाना पड़ता है और फिर उस पैसे को अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना पड़ता है और वही मेथड है पैसा ग्रो करने का। यस, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड इन माई इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ जर्नी। And no one, and I mean no one, मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे ये नहीं बताया that money can be grown safely and steadily, not on trees and definitely not in a savings bank account. आप money grow कर सकते हैं बहुत ही safely and steadily in a, drum roll please, TFSA, tax free savings account. सो टुडे गाइस, मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि कैसे ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी ग्रो रिच क्विक स्कीम के बारे में है या फिर किसी हाइप स्टॉक के इन्वेस्ट करने के बारे में है तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ इसलिए हैं कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में कभी आपने इंटरेस्ट नहीं रखा और आप अपनी मनी स्लोली और स्टेडली ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। In simple language, tax-free savings account, TFSA, is just like any other account, जहां आप अपने पैसे डालते हैं वो पैसे अलग अलग assets या अलग अलग stocks या securities में invest किए जाते हैं। Over the time, वो पैसे grow करते हैं और जब भी आप चाहें उस पैसे को बाहर निकाल सकते हैं और उस पर कोई tax भी नहीं लगता। In comparison to a bank savings account, जहां आपको एक limited interest rate मिलता है, 0.05% भी कई bank देते हैं जो कि बहुत कम होता है और there are high chances के inflation के कारण आपका वो पैसा over time कम होता जाएगा। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इस चीज को समझे, इस डिफरेंस को समझे और TFSA का अकाउंट जरूर खोले। द थिंग इज दैट एवरी कनेडियन कैन ओपन अ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ओपन अ TFSA। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि यू शुड बी लिविंग इन कैनेडा। सेकेंड इज कि आपकी जो एज है 18 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास एक वैलिड सिन नंबर होना चाहिए। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरी कर ही लेते हैं। कई प्रोविंसेस में इसकी लीगल एज TFSA खुलवाने के लिए 19 होती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस इट्स 18 ईयर्स ऑफ एज। नाउ आई नो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये इन्वेस्टिंग की बातें कर रहा है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन की बातें कर रहा है, हमें ये बातें नहीं समझनी, हमें तो अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना है। लेकिन यही गलती दोस्तों मैंने की थी और मैं नहीं चाहता कि आप भी यही गलती रिपीट करें। नाउ देयर आर अ कपल वेज जिसके साथ आप TFSA खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक के साथ TFSA खुलवा सकते हैं, किसी ब्रोकरेज के साथ TFSA खुलवा सकते हैं, लाइक क्वेस्ट्रेड है, वेल सिंपल है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इन्वेस्टिंग स्टॉक्स की दुनिया की नॉलेज है तो आप अपना TFSA खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको किस सिक्योरिटी स्टॉक या किस एसेट में पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, ये एसेट्स, इन सब की नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता कि फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ से गेन करें, कैसे गेन करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि द सूनर यू ओपन अ TFSA द बेटर यू विल बी। और ये मिस्टेक मैंने की थी, मैंने अपना TFSA बहुत लेट खोला था और मैं नहीं चाहता कि आप अपना TFSA लेट खोलें। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज कि हर साल सरकार TFSA की लिमिट अनाउंस करती है तो ऑलमोस्ट $6,000-$7,000 के आसपास होती है और आप उसी लिमिट तक अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कनाडा में आए थे 2018 में और 2018 से लेकर आज 2022 चल रहा है तो हर साल सरकार ने TFSA की लिमिट 6,000 अनाउंस की। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर आपने अब तक TFSA नहीं खोला था और अगर आप पहली बार 2022 में TFSA खोलने जा रहे थे और अगर आप 2018 में कनाडा आए थे तो अभी तक आपके पास कंट्रीब्यूशन रूम हो जाता है ऑलमोस्ट 24,000 का। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपकी TFSA की लिमिट क्या है, आप कितने पैसे डाल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए माई CRA अकाउंट पे जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए और वहाँ TFSA के सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी TFSA का कंट्रीब्यूशन रूम कितना है और उस कंट्रीब्यूशन रूम के हिसाब से ही आपको अपनी लिमिट पता चल जाएगी कि आप कितने पैसे TFSA में डाल सकते हैं। नाउ ऑल यू नीड टू डू टू ओपन अ TFSA अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है वेलसिंपल का। वेलसिंपल में TFSA अकाउंट खुलवाने का फायदा ये होगा कि वहां कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है लाइक सम अदर ब्रोकरेजेस, तो आपको काफी ईजी हो जाता है और फायदा ये भी होता है कि रिलेटिव इन कंपेरिजन टू अदर एप्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, वेलसिंपल पे TFSA अकाउंट खोलना बहुत ही एक ईजी और स्मूथ प्रोसेस है। तो उस लिंक पे जाइए, साइनअप कीजिए, साइनअप करके आप अपने फोन या मोबाइल में वेलसिंपल की इन्वेस्ट ऐप भरिए, इन्वेस्ट ऐप येलो कलर का थंबनेल होता है उसका, वो ऐप भर के उसको लॉग इन कीजिए और वहाँ अपना TFSA का अकाउंट ओपन कर लीजिए थ्रू ऑल द गिवन रिक्वायरमेंट्स और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको भर के। नाउ वंस यू हैव ओपन्ड अ TFSA अकाउंट, आपको बस इतना करना है कि आपको होम स्क्रीन पर जाके मूव फंड्स के बटन पे क्लिक करना है। मूव फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको वहां ऑप्शन आएगी ऐड और मूव फंड्स की, वहां क्लिक कीजिए और फिर ऑटोमेटेड फंड्स पे क्लिक कीजिए। ऑटोमेटेड फंड्स में आपको 2 से 3 ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपना पैसा इस TFSA अकाउंट में किन वे से डालना चाहते हैं। सो पहला वे है ऑटो डिपॉजिट। ऑटो डिपॉजिट में ये होता है कि जैसे मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है कि हर वीक मेरे बैंक अकाउंट में से $25 यहाँ वेलसिंपल के TFSA में खुद ही चले जाते हैं। सो उसका फायदा ये होता है, इट्स अ फोर्स्ड सेविंग्स मेथड कि खुद ही वो ट्रांसफर कर लेता है और उस TFSA में खुद ही इन्वेस्ट कर देता है। सेकंड वे इज द राउंड अप मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आप ऑन अ डेली बेसिस जितने भी खर्चे करते हैं, कॉफी पे करते हैं, ग्रॉसरी पे करते हैं या कोई बस पास खरीदते हैं, तो उस खर्चे का जो भी अमाउंट होता है उसको वो राउंड अप करके रिमेनिंग अमाउंट आपके इस TFSA अकाउंट में डाल देता है। मतलब ये कि मान लीजिए आपने कोई कॉफी खरीदी जिसका प्राइस था $2.5, तो उसको वो राउंड अप करके $3 बना देगा और लास्ट की जो 50 सेंट्स है वो आपके इस TFSA अकाउंट में डाल देगा। तो पूरे हफ्ते के जितने भी राउंड अप करके टोटल बनता है वो टोटल वो इकट्ठा ही इस अकाउंट में डाल देता है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मेरे अकाउंट में हर हफ्ते कितने डॉलर्स राउंड अप करके टोटल होता था। देख सकते हैं $7, $6, $5, $9, $7, ऐसे राउंड अप करके एक सेविंग का मेथड बन जाता है। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इस TFSA अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, तो ये एक ऑटोमेटेड TFSA अकाउंट होता है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिस्क लेवल क्या है, क्या आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं या नॉर्मल रिस्क लेना चाहते हैं। वो अब जब आप अपना TFSA अकाउंट खोल रहे होते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है ये अकाउंट खोले हुए एंड ऑलमोस्ट $1,800 सेव हो चुके हैं आज तक एंड अभी मेरे $30 अब चल रहे हैं इन इन्वेस्टिंग। तो शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये जो अमाउंट है मैंने इकट्ठी किया है ऑलमोस्ट बाय ओनली 2 मेथड्स। 1 वॉज ऑटो डिपॉजिट, तो हर हफ्ते मेरे अकाउंट से $20-25 इस अकाउंट में चले जाते थे एंड द सेकेंड वे वॉज राउंड अप। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो आपको चुभती भी नहीं है और आपको पता भी नहीं चलता आपके अकाउंट से निकली है, लेकिन ओवर अ ईयर इतनी बड़ी बन जाती है एंड इन्फ्लेशन से भी बची रहती है। सो दैट इज वाई आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये अकाउंट खोलिए, इसमें दोनों ये ऑटो डिपॉजिट और राउंड अप फीचर इंप्लॉय कीजिए एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आप शायद सोच रहे हो बहुत ही बड़ा स्टेप है, लेकिन द बिगेस्ट चेंज इन लाइफ कम्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्टेप्स यू टेक एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस विल बी द स्मॉलेस्ट स्टेप यू टेक बट इट विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट on your financial future.